एनआईए के दल ने बढ़ाई जांच की गति। दूसरे दिन भी सर्वसंपन्न नगर पहुंचा एनआईए का दल, मकानों की ली सघन तलाशी। निगम ने चलाया सर्वेडे बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान। एक्सपायरी डेट के पेय पदार्थ व नकली कंपनी की पानी की बोतलें जब्त। दूषित खाद्य सामग्री व गंदगी की भी भरमार, 8 प्रतिष्ठानों ने बनाए चालान। कोतवाली थाने का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, निजी चालक चला रहा था वाहन, एएसआई व चालक गंभीर घायल। बीती रात 2 सड़क हादसों में 5 लोग हुए घायल, घायलों को किया अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत गंभीर, पुलिस ने किया अज्ञात वाहनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज। माध्यमिक शिक्षा मंडल इंदौर उज्जैन संभाग का आंचलिक कार्यालय आंचलिक अधिकारी के बिना संचालित हो रहा है। यह महत्वपूर्ण पद करीब 2.5 माह से खाली पड़ा हुआ है। हालांकि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण आंचलिक अधिकारी के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाले हुए है। बीती रात एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लग गई। आग के चलते दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं सकरी गली में दुकान होने की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। शुक्रवार को इंदौर उज्जैन संभाग के सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में महिला बाल विकास विभाग के आला अफसर भी शामिल हुए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा गुरुवार से 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। हड्डी से जुड़े रोगों पर केंद्रित कार्यशाला का शुभारंभ नेशनल ट्रेनिंग अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर असीम लोगानी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। शुक्रवार सुबह एक महिला को जली हुई हालत में MY अस्पताल लाया गया। दरअसल मूसाखेड़ी क्षेत्र में रहने वाली महिला का आरोप है कि उसके देवर ने शरीर पर घासले डालकर उसे जान से मारने का प्रयास किया है। 3 फरवरी को सयुपरी ब्राह्मण समाज का अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 500 से ज्यादा प्रविष्टियां प्राप्त कर चुकी समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन का यह 3रा साल है। जैन समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए जैन युवा विचार मंच अध्यक्ष सचिन जैन और महामंत्री संजय जैन ने बताया कि 3 फरवरी को नवलखा स्थित सन्मति स्कूल परिसर में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह के अवसर पर 21 जोड़े विवाह सूत्र में बनेंगे। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 का 29वां अधिवेशन 2 व 3 फरवरी को खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में होगा। रोटरी के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवेशन में रोटरी की तमाम शाखाओं के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उत्प्रेरक प्रसंग व मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आम लोगों की सुविधा और यातायात के सुचारू संचालन के लिए नगर निगम ने MY अस्पताल के बाहर लंबे समय से सड़क पर अतिक्रमण कर चुके ठेलों और वाहनों को जब्त किया। सड़क पर विलाप करती ये महिला रमेश सागोरे की पत्नी और मनोज सागोरे की मां है। गुरुवार को रमेश और मनोज की मौत अवैध और जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई थी। रमेश और मनोज की मौत से शुक्ला नगर के रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे रमेश और मनोज के परिजनों को साथ लेकर नवलखा की सड़क पर चक्का जाम के लिए उतर आए। मामला वर्ष 2006 का है। आरोपी अनिल जाटव नार्कोटिक्स में नीमच में बतौर थाना प्रभारी पदस्थ था। जाटव ने शंकरलाल की चक्की पर गांजा रखवाकर उससे 2,60,000 रुपए वसूल लिए थे। शंकरलाल की शिकायत पर जांच हुई और मामला सही पाए जाने पर अनिल जाटव पर मामला दर्ज हुआ। तभी से अनिल जाटव फरार था। चित्तौड़ की पुलिस शुक्रवार को इंदौर पहुंची और विजयनगर पुलिस की मदद से अनिल को लसुड़िया क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।